ये फिफ्थ अवार्ड शो ब्राइट का है, पर ये मेरा पहला अवार्ड शो है गदर के बाद, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और योगेश जी का बर्थडे है तो सेलिब्रेशंस भी है आज, और मेरा पहला अवार्ड है तो डबल सेलिब्रेशंस है। सो आप सबका थैंक यू। जी 11 अगस्त से खुशियाँ ही चलते आ रही, जब से गदर रिलीज हुई है तब से खुशियाँ ही खुशियाँ चलते आ रही है। जी खूबसूरत तो हमारे हेयर और मेकअप वाले हमें बना देते हैं। ड्रेस मैंने सुलक्षणा मुंगा जी की पहनी है, और आधे से ज़्यादा इवेंट्स में मैंने उन्हीं के कपड़े पहने हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। हेयर और मेकअप वालों का थैंक यू, उन्होंने इतना अच्छा सुंदर हमेशा बनाया है मुझे। पहले तो उन सबको थैंक यू, आप सबको थैंक यू, मेरी ऑडियंस को थैंक यू। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है, पहली पिक्चर थी, अभी बहुत आगे चीज़ें आने वाली हैं। 2-3 कर ली है 2-3 कर ली है। बस इतना बताऊंगी कि बहुत बड़ी पिक्चरें कर रही हूँ, और जैसे अपना प्यार मुझे गदर के लिए दिया है वैसे आगे भी देना। जी मैं कहूँगी 2023 बहुत बड़ा साल रहा है हिंदी सिनेमा के लिए, सारी पिक्चरों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, और जवान मैंने खुद अभी देखी थी, तो शाहरुख खान के फैन तो हम सब थे ही, तो जवान भी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम। और मैं रिसेंटली शाहरुख सर को भी मिली थी, सो मेरे लिए तो उसी दिन सेलिब्रेशन हो गया था। थैंक यू सो मच।